चलो भाई, आज तो हम किंग क्राइब की बर्थडे करते हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे केक का पीस पड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मीट लोफ के बारे में सुना है कभी? मीट लोफ? यार मीट लोफ तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना मैंने। वैसे यार मीट लोफ तो हमने भी नहीं सुना नाम। सर, ये एक अमेरिकन कीमे से बनी डिश है। इसमें कुछ अज्जा मिलाकर ना रोटी की शक्ल में बनाया जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह मिलते हैं, फिर सेंका या इसको फिर तंबाकू नोश किया जाता है। अच्छा। वैसे यार हम लोग कीमे का सालन तो बनाते हैं उसमें कोयले का धुआं मार के, लेकिन ये मीट लोफ के बारे में तो नहीं सुना। सर, आज किम राइफ जो आपके पेट्रोन है ना, इन्होंने आपकी आज दावत की है, और उस दावत में मीट लोफ मील पेश की जाएगी आपको। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पेट्रोन ने हमें याद किया और हमारे लिए दावत रखी, तो ये तो हम जरूर शौक से करेंगे। दावत हमें कबूल है ऐसी शौक से। सर, ये है मीट लोफ मील। ये मीट लोफ है और इसके साथ है ना कि साइड डिश है ये बटर बात कौन है बटर, और वो जो है वो क्रीम पोटैटोस। अच्छा, क्रीम पोटैटोस जी। जो बीच में जो रखा हुआ है ये मीट लॉफ है। ये मीट लॉफ है यार, ये तो देखने में बहुत जबरदस्त है, ऐसा दिख रहा है। ये भी बहुत जबरदस्त, ये मकई लेकिन मतलब मक्खन में बनी हुई। ये सर इसको ना पकाया जाता है मक्खन और दूध में, इसको ना मतलब जैसे निलाते है ना बच्चे को, इसी तरह कौन को निला है। चलो भाई, आज तो हम किंग क्राइब की बर्थडे करते हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे केक का पीस पड़ा हो। भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बनाना ब्रेड हो। खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, बहुत ही जबरदस्त है। ये मक्खन डाल रही है, ये खुशबू आ रही है मक्खन का, मक्खन से नाई हुई। ये खाते हैं जरा ये। यार है तो बहुत अच्छी मक्खन से बनी हुई है। ये सबसे खूबसूरत जो है ना प्लेट ये। बहुत ही जबरदस्त यार ये मीट लोफ तो, वाकई बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तुम्हारा कीमा ही बना हुआ, कीमे का ही बना हुआ है क्या? जी सर, ये कीमे का, इसमें मटन का और बीफ का कीमा डाला है, दोनों मिक्स है। यानी इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, और इसकी ये जो चटनी है ना ये तो बहुत ही जबरदस्त। ये सर केचप है और इसके अंदर पापड़ी का पाउडर भी डाला गया। मुझे तो ये बुटे की जो नरम वाला है ना सफेद वाला, ये बहुत मजा दे रहा है। मक्खन लगा हुआ है मेरे तो खाने की चीज है। ना नरम तो वाकई यार बड़ा मजे का, अच्छा नरम मुलायम और मक्खन की खुशबू ही खुशबू, वाकई बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है ये। मतलब भुट्टा भुट्टा जो है ना मक्खन वाला ऐसा जबरदस्त। आप कैसे बनाते हैं भुट्टा? हम लोग तो आग में पकाते हैं कोयलों पे। ये जो होता है ना इसको कोयले पे पकाते हैं, वो बहुत जायकेदार होता है। ये पानी में पका हुआ है ना वो कोयले, ये मक्खन में पका हुआ है, मक्खन में तो हम लोग कोयले पे पकाते हैं आग पे। किंग राइफ का तो बहुत दिल से शुक्रिया कि आज हमें ऐसा मुनफरिद खाना खिलाया। वैसे तो हम अक्सर खाते हैं, लेकिन ये मुनफरिद खाना खा कर बहुत ही मजा आ रहा है यार। अमरीका का ये रेडियो होता है ना, हम लोग हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन आज तो इसका बना बहुत मजे का है, ये तो हमेशा याद रहेगी। वैसे ये डिश तो मुझे भी बहुत पसंद आई। मैं तो जो है ना इसको, ये जो इसका नाम बोल दिया मैं, मीट लोफ और ये मक्खन तो ये मलाई पोटैटो को मिला के खा रहा हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बाकी बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे अमरीका में बैठे हुए और अमरीका का ही खाना खा रहे हैं, और केचप का जायका तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, बड़ा मजे का, बहुत ही जबरदस्त। आया हुआ कि जो ऊपर लगा है तो ये मीठा हो जाता है ना, खट्टा मीठा हो जाता है। इसके अंदर भी सर डाला गया केचप, पूरे में मतलब जी है जी, जबरदस्त।
भाई हम लोग अभी सोचा भी नहीं था बाहर मुल्कों से पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारी दावत किए हुए, हम तो कुछ नहीं सीखे इतनी दावत की है हम तो, अल्लाह उनको तौफीक दे ऐसी दावतें करता रहे हमारी हम खाता रहे। भाई ये भी बड़ी बात है तो इतने दूर से हमें मतलब लोगों ने हमें याद किया और इतना मतलब हमारे लिए वो किया सोचा। अच्छा आप इस तरह की डिश आप बनाना चाहेंगे? भाई इस तरह की डिश तो हम जरूर बनाएंगे लेकिन ये गोश्त जो है ना ये बहुत महंगा है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आलू तो हम लोग ऐसे खाते रहते हर चीज में, तो मक्का ये भी सस्ती है, कीमा तो हम लोगों को मिलता नहीं है इतना महंगा है, आज तो कीमा मैं खा के खुश हुआ कि भाई मुझे आज कीमा मिल गया, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल खुश हो गया मैं। वाकई बहुत ही जबरदस्त सर, मजा आया आज आपको ये मीट लॉफ मील खा के। ओ, 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 ग्रेट यार, थैंक यू थैंक यू।